जीते पास ऑलरेडी है ना। ओके गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, खंडू ये अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ मला पाहिजे अनम्यूट म्हणून। तुमच्याकडे काही लक्ष देत नाही मी, ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागतं मला, काय प्रॉब्लेम असेल तर मला डायरेक्ट। ओके नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लेम टुडे, प्रॉब्लेम नंबर 5। प्रॉब्लेम नंबर 5, सो वी विल टेक टुडेज वन प्रॉब्लेम, टुडे वन प्रॉब्लेम विल टेक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम ऑलरेडी वी हैव टेकन। सेम प्रॉब्लेम विल टेक 12 सेंटीमीटर, वी हैव टेकन दिस, दिस इज द 1 सेंटीमीटर, सेम प्रॉब्लेम वी हैव टेकन, प्लीज चेक इट। शायद ये सेकंड या थर्ड प्रॉब्लम होगा, चेक कर लीजिएगा। हाउ मच इज द डिस्टेंस दिस, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, दिस इज अ 1, दिस इज अ 4 एंड दिस इज अ 4 सेंटीमीटर, this is a 1 centimeter and this is also 1 centimeter. Okay, now please draw this diagram. Okay, now it is visible. Previously what was happening, there was a light on camera. Now you can check it, this problem already we have given, this problem I have already given, but there is small change I am going to ask here. Now in this problem, find out the moment of inertia about AB, means here we have required to find out the moment of inertia about AB axis. Here we have required to find out the moment of inertia about the AB axis. Now write down the question, find out the moment of inertia, find out the moment of inertia on, moment of inertia on AB axis, on AB axis. Okay, so please draw the diagram, those are not drawn please again check it, the dimensions. Okay, now what we have seen in the last lecture, check it. For this problem we have found out the moment of inertia about the x axis and y y axis. Saqib, humne ye same problem solve kiya tha, to udhar humne kya find out kiya tha, moment of inertia about the capital x axis and capital y y axis pe humne moment of inertia find out kiya tha. So I will draw this diagram here. तो इसका क्या किया था, हमने एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस पे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा था। हियर दे हैव नॉट आस्क्ड टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू एक्सिस, दे हैव जस्ट आस्क्ड टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। अभी मेरे को बता दीजिएगा कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने लास्ट टाइम भी शायद किधर तो बताया होगा कि आई कैन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस आइदर ऑन वर्टिकल, किधर भी आप इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, किधर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक कौन से भी एक्सिस पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई विल टेल द रीजन बिहाइंड दिस ऑल्सो, सपोज दिस इज अ डैम स्ट्रक्चर इज देयर, ऐसा डैम है,
तो डैम के इस स्ट्रक्चर में आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इधर बहुत कम होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इधर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इधर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, एंड एट द बेस मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस, बिकॉज आई नो दैट इधर जो इनर्शिया एरिया के कारण होने वाला जो इनर्शिया है वो उसके लिए उतना ही पोर्शन हम कंसिडर करेंगे. इनर्शिया हम फाइंड आउट करते वक्त हम क्या करते हैं कि इतना ही रीजन कंसिडर करेंगे ना, इसके ऊपर का रीजन कंसिडर करेंगे. ये फाइंड आउट करते वक्त ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करते वक्त ये एरिया कंसिडर करेंगे, और ये फाइंड आउट करते वक्त ये एरिया सब कुछ कंप्लीट कंसिडर करेंगे. सो ऑब्वियस थिंग इज दैट द एरिया इंक्रीजेस, इनर्शिया इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीजेस हियर. बिकॉज व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला और कौन से भी, आई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इनटू डीए. जितना वाई बढ़ेगा उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता रहेगा. मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ स्टेशनरी थिंग और इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट थिंग. एक्स बार एंड वाई बार आई कैन डेफिनेटली से दैट इट इज अ स्टेशनरी और इट इज अ फिक्स्ड वन, बिकॉज दीज आर अ सेंट्रॉइड. एक्स बार एंड वाई बार, these are the centroid and they are definitely fixed one, but I can't say that the moment of inertia are a constant. Moment of inertia I can say that about x axis and about y y axis they are constant, but if the location changes then x x here, if I measure the moment of inertia on ab axis just below of the x x axis, then the moment of inertia is a different. Now again I'm repeating this because many students are in the or they are always thinking that ki we are always finding, because still date how many problems we have solved, 4 problems we have solved. All these 4 problems moment of inertia we have found out on centroidal axis, but it is not always the case. Aisa hamesha kabhi nahi hota hai ki wo moment of inertia hamesha centroidal axis pe hi pucha jayega, aisa kabhi nahi hoga. Wo kidhar bhi puch sakte hain, unko freedom hai. They will ask anywhere on this object, object mein kidhar bhi wo puch sakte hain. Either they will ask on vertical axis, either they will ask on horizontal axis also. Clear? And this is going to change. The reason is that moment of inertia ka definition hi wahi hai, y square into dA. I have not explained this y square into dA. I will explain in the next lecture to you. I will derive this also, how I is equal to y square dA, or why moment of inertia or area moment of inertia is integration y square dA. Y is nothing but it is a distance. Y is nothing but it is a distance. Now if the distance is going to change, if the distance is going to change, I have given here example, the y distance here, the y distance which is present here and y distance present here, they are different, so moment of inertia is also different. Am I right? So in this case, in this problem, they have asked to find out the moment of inertia about AB axis, about the AB axis. Now we are not going to do a different thing here. See here, why we are required to find out x bar and y bar? The reason, हमको x bar और y bar find out क्यों करने की जरूरत थी? Because हमें IXX and IYY find out करना था. हम अभी तक x बार एंड y बार फाइंड आउट क्यों किया देख लीजिएगा, कि हमें IXX एंड IYY फाइंड आउट करना था. लेकिन अभी इन दिस केस आई डोंट रिक्वायर टू फाइंड आउट x बार एंड y बार, आई डोंट रिक्वायर टू फाइंड आउट x बार एंड y बार. क्लियर? बिकॉज आई डोंट रिक्वायर टू फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, आई हैव टू फाइंड ओनली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एबी एक्सिस. किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा कि आई डोंट रिक्वायर टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई एक्सिस, आई हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस. क्लियर? सो आई विल नॉट फाइंड एक्स बार एंड वाई बार नाउ, ओनली आई हैव रिक्वायर टू फाइंड आउट आई ए बी. नाउ व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ आई ए बी, हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन कन्वर्ट हियर, सिमिलर प्रोसीजर वी हैव रिक्वायर टू डू, 1 and 2. How many standard lamina we can produce from this complex object? 2. First is the triangle and second one is the rectangle. Am I right? Triangle and rectangle.
So IAB and AB is a parallel to XX axis, so that I have required to write the formula, end formula IXX1 plus A1 H square, or I will put HY1 square, no problem. What is the HY1? I will explain to you. And IXX2 plus A2 HY2 square. And here we are required to take negative sign. The reason, this is a empty space, a complete empty space hai. Means same procedure we have required to follow, but there is a only difference is that during finding HY1 and HY2, and here I don't require to find out IYY1 and IYY2. Even HX1 and HX2 also I don't require to find out, because they are asked for the moment of inertia only about AB axis. Abhi aur ek bar batata hun. AB is a parallel to XX axis. So that I have required to consider IXX and IXX2, IXX1 and IXX2. HY1 is height, HY2 is height. But I don't require to consider IY1 and IYY2, because AB is not parallel. AB line is not parallel to the vertical line. Clear? So same procedure. Draw first a triangle. First object. Draw a second object, rectangle. Locate AB. In both cases, you locate AB, because we are finding from AB. This distance is 1. B is equal to 2. D is equal to 4. You can check it. B is equal to 2. D is equal to 4. Here, B is equal to 12. And D is equal to 9, no? Previously, when we are drawing this diagram, we are considering, previously जब हम ये draw करते थे, उस वक्त हम ये को consider करके draw करते थे, क्योंकि हमको x bar and y bar find out करना था. लेकिन अभी मेरे को x bar और y bar find out करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी से find out करने के लिए कहा है, तो मेरे को both cases, in first diagram and in second diagram, I have required to consider AB. And from AB, we are required to find out. Now procedure is same. What we are required to find out here? First we are required to find out A1. Then I have required to find out IXX1, because I don't require to find out X1, Y1. Unnecessarily, why to find out this? And last one you can check it. It is HY1. Similarly, A2, IXX2, and HY2. Only these parameters we have required to find out. Remember this. See here, our ultimate aim is what? To find out the moment of inertia about the AB axis, and AB axis ka formula maine upar likha hai. AB axis ka formula maine upar likha hai. AB axis ke formula mein jo bhi requirement hai, wahi khali main find out karunga. Why to find out other things? Clear? So draw these two diagrams first. First object ki diagram draw karo, second object ki diagram draw karo. And these three parameters you are required to find out now. ये अभी बताने की जरूरत नहीं मेरे को. एरिया ट्रायंगल का क्या रहता है, आई एक्स एक्स वन ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एच वाई वन कैसा फाइंड आउट करने का मैं बताऊंगा आपको. एच वाई वन में फाइंड आउट करने का बताऊंगा मैं, लेकिन ए वन आई एक्स एक्स वन, ए टू आई एक्स एक्स टू यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट. आई विल गिव टाइम टू यू. आपको मैं एक 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मेरे को आंसर उनके चाहिए. टूडे वी विल टेक ओनली दिस प्रॉब्लम एंड वील स्टॉप. एक ही प्रॉब्लम ले लेंगे, क्योंकि अनदर वन टू प्रॉब्लम्स, टू थ्री प्रॉब्लम्स इफ आई कंप्लीटेड, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आफ्टर टू टू थ्री लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. थियोरेटिकल पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन वन लेक्चर. If you are having calculator, please find out the answers also. What is HY1 and what is HY2? If you know that, HY is the difference between two axes. Abhi either AB axis se XX1 ka distance HY1 rehta hai. Okay, so I will explain that. तो ए बी का सेंट्रॉइड, इसका तो सेंट्रॉइड हमको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है
हमको इसका फॉर्मूला पता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन का पता है, आई एक्स एक्स वन और आई वाई वन सेंट्रोइडल एक्सिस पे होते हैं, ये हमको पता है। ए वन इज बी इंटू वन हाफ बी इंटू डी, वन हाफ ट्वेल्व इंटू नाइन, इट इज 54। आई एक्स एक्स वन बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 36, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 36, हाउ मच इट इज, यू कैन गिव द आंसर। 243 ना, ओके करेक्ट। नाउ देख लीजिएगा, सिमिलरली आई विल फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट एच वाई वन, आई विल एक्सप्लेन सो दैट यू विल गेट आइडिया देयर। एच वाई वन क्या रहता है, हाइट रहता है, किसका हाइट, आप देख लीजिए पहले जो प्रॉब्लम था ना वो कैपिटल एक्स एक्स से एक्स एक्स वन का डिफरेंस था, तो ऐसा है राइट और रॉन्ग। हमको जिधर से जिस लोकेशन से फाइंड आउट करना है उस लोकेशन से हमको किस पे फाइंड आउट करना था, एक्स एक्स पे फाइंड आउट करना था, उससे उस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के एक्स एक्स वन का डिफरेंस मतलब एच वाई वन था। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, एंड सो दैट वी हैव सेड दैट एच वाई वन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स वन, एच वाई वन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स वन। बट यू कैन क्रॉस चेक हियर दैट, आप इधर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एक्स बार की कोई जरूरत नहीं है हमको, लेकिन एक्स एक्स वन से ए बी का डिस्टेंस वही एच वाई वन हो गया ना इधर, एम आई राइट और रॉन्ग। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, पहले हम क्या करते थे, एच वाई वन इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एक्स एक्स एंड एक्स वन, एंड फॉर्मूला वॉज एच वाई वन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स वन, एंड एक्स बार क्या था देख लीजिएगा, एक्स बार सपोज दैट इधर से वो एक्स बार था और ये एक्स वन था, एक्स बार में से एक्स वन डिडक्ट हो गया तो ये रह गया, एक्स बार में से एक्स वन डिडक्ट हो गया तो एच वाई वन रह गया। सो हमको जिधर से मेजर करना है उधर से एक्स एक्स वन का डिस्टेंस, मतलब इन दिस केस ए बी से एक्स एक्स वन का डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, एच वाई वन रहेगा, ए बी से एक्स एक्स वन का डिस्टेंस, मतलब इधर क्योंकि मेजर कहां से करना है वो डिपेंड है ना, पहले हम एक्स एक्स से फाइंड आउट कर रहे थे तो एक्स एक्स वन का डिफरेंस हम बता रहे थे एच वाई वन, तो अभी हमको फाइंड आउट कहां से करना है, ए बी से फाइंड आउट करना है, तो ए बी से एक्स एक्स वन का डिस्टेंस जो है वो आपका क्या रहेगा, एच वाई वन रहेगा। इस पे किसी को डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, एच वाई वन इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ए बी टू एक्स एक्स वन, एंड व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, कैन एनीबडी टेल, करेक्ट सर, इट इज डी बाई थ्री, इसका सेंट्रोइड देख लीजिए ना, डी बाई थ्री मतलब एक्स वन ही है ना, ये बेस से मेजर कर रहे हैं इसलिए एक्स वन है, और आई कैन पुट हियर डी बाई थ्री सेंट्रोइड का लोकेशन, इस बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस किधर है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस पे है ना एक्सिस, शायद मैं शायद फास्ट हो रहा हूं ऐसा लगा होगा तो मेरे को बड़ा स्लो भी कर सकते हैं आप, मैं और एक बार बताता हूं, ये एक्स एक्स वन एंड वाई वाई वन सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहे हैं, एंड सेंट्रोइड कहां से होता है, फ्रॉम पॉइंट ए इट इज अ बी बाई टू, एंड फ्रॉम पॉइंट दिस बेस इट इज अ डी बाई थ्री, एंड दिस डिस्टेंस इज अ डी बाई थ्री, सो दैट आई हैव रिक्वायर्ड टू कंसीडर डी बाई थ्री, सो इट इज 9 डिवाइडेड बाई 3, इट इज अ 3, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दे, तुम्हारा समझ लो, सी आर अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, एच वाई वन इज डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी से सेंट्रोइड का डिस्टेंस, एक्स एक्स वन का डिस्टेंस, और एक्स एक्स वन सेंट्रोइड से पास होता है, एंड सेंट्रोइड फ्रॉम पॉइंट ए बी बाई टू एंड डी बाई थ्री, सो अल्टीमेटली एच वाई वन इज इक्वल टू डी बाई थ्री। सिमिलरली यू हैव इक्वल टू फाइंड आउट हियर ऑल्सो, ए टू इज इक्वल टू बी इंटू डी, 4 इंटू टू, आई एक्स एक्स टू इज इक्वल टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12,
कितना आता है देख लीजिए, b इज 2 इनटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 264 264 करेक्ट नो 64 नहीं फक्त 64 ओके 64 ओके 64 एंड एच वाई टू कौन बताएगा मेरे को अभी, जिसको भी समझ में आया है वो इजीली बताएंगे व्हाट इज द एच वाई टू थ्री नो हाउ इट इज आई विल एक्सप्लेन टू यू देख लीजिए ये वन ए बी से इसका सेंट्रोइड किधर पे होगा आप देख लीजिए बी बाई टू पे होगा ना डी बाई टू सॉरी डी बाई टू पे बेस से ये डिस्टेंस कितना होगा डी बाई टू प्लस वन सो एच वाई टू इज इक्वल टू आई विल राइट हियर एच वाई टू इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई टू एंड वन प्लस डी बाई टू इज दी इज हाउ मच 4/2 इट इज 3 एम आई राइट और रॉन्ग सर हाँ बोला कि सर IXX to 10.6 है थे 10.6 है थे हाँ सर 10.6 है थे 10.6 now 10.6 now you are required to find out now everything is in front of you सभी वैल्यू आपके सामने है जस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कीप दीज वैल्यूज हियर ये जो वैल्यूज है आपको इधर पुट करने पड़ेंगे यू फाइंड आउट नाउ आई विल राइट हियर IXX1 तो मेरे को पता है इट इज 243 प्लस A1 54 इंटू HY1 3 स्क्वायर माइनस क्यों बिकॉज इट इज अ डिडक्टेड रेक्टेंगल इज अ डिडक्टेड फ्रॉम ट्रायंगल 10.6 प्लस 8 इंटू 3 स्क्वायर नाउ डू द कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर हियर Now, those are absent for this today's lecture, they will never understand this problem. ये problem वो समझ ही नहीं पा रहे पाएंगे मेरे को पक्का पता है So, you are present for this class so that you will get information कि हमने ये problem कैसे solve किया है Now, tell me the value, or last value. So 646.4 Correct. 646 Answer point is going to come 646.3 I will take here. Okay. 646.3 Please check it. Everyone should require to check these values. Sir, correct. हाँ बराबर. If anyone has got a different answer, please let me know now itself. I will make you correct. जिसको भी ये answers different आए हैं वो मेरे को अभी ही बता दीजिएगा ताकि मैं आपको correct कर सकूं. 646.4 हाँ correct 646.4 Okay, if anybody has got a different answer, please let me know now. Okay, now in this way, we have completed this problem. Many students are going to feel that this type of problems are quite difficult, but actually this type of problems are very, very simple. Because in this problem, Hello, sir. Haan, bole na.
सर ए बी जर पॅरलल असेल वाय ऍक्सिस ला तर वाय ऍक्सिस साठीचा फॉर्म्युला वापरायचा ना. हा सेम 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 नथिंग इज गोइंग टू चेंज. सो दॅट दे हॅव आस्क्ड दॅट फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऍक्सिस आणि ए बी ऍक्सिस ऐसा होता होता तो आपको क्या करना पड़ेगा आय वाय वन प्लस ए वन एच एक्स वन स्क्वेअर एच एक्स वाय वाय टू अँड इट इज एच एक्स टू स्क्वेअर. AB is a parallel to YY. AB is a parallel to YY. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. Now here it is same thing is happening to same thing is because many students are feeling that such types of problems are quite difficult. But believe on me, in this type of problem, they are going to ask the moment of inertia only on one axis. Either AB is horizontal or maybe it is a vertical. So that we don't require a means we don't require to use IYY formula. So our answer for same problem they are going to ask this question they are also asking for a 7 mark and previous question they are also asking for a 7 mark. So complications are greatly reduced in such types of a problem. Clear? Any doubt? If anyone is having a doubt, please ask me. Okay. Now I will give one homework problem to you. In next lecture, you are required to show it to me, or you are just required to give the answer to me. Answer of that question. Now same question, find out the moment of inertia about the AB axis. Find out the moment of inertia about the AB axis. Same question, structure is quite different. Idhar ka khali structure thoda change hai. It is not also a completely different C type apne structure hai, lekin it is also not a symmetric. Ye symmetric bhi nahi hai. It is not either horizontal line pe symmetric bhi nahi hai aur vertical line pe bhi symmetric nahi hai. Okay, now try to solve this problem. Aap solve kar lijiyega. Hello sir. Ha bola ki. Dimensions disat nahi net. Disat nahi. AB distance is 100, height is 20. Khalcha plane chi height 20 hai. Tithun 80 ahe, tithun 20 ahe. म्हणजे टोटल हाईट किती झाली 120. 60 आहे ते वरच्या प्लेनचे आहे. वरच्या जो सी टाईपचं स्ट्रक्चर आहे ना तिथं वरचे जे आहे त्याला 60 आहे. मिडल डिस्टन्स इज 20 अँड 100 तो ऑलरेडी मैंने बताया है. इट इज नॉट फिजिबल क्लिअरली. आई विल हियर दॅट. Now this is the homework problem to you. So I will stop here. Tomorrow I am going to ask answer of this problem. आपको मेरे को कल answer बताने हैं इसके. Okay. Okay. We will stop here. If anybody is having any question, you can ask me. Otherwise, we will stop here. Okay. Thank you.